दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों गुजरात के दौरे पर निकला, गुजरात की नई टेक्नोलॉजी, और आज मैं आया हूं सापर जो राजकोट ज़िले के अंदर पड़ता है, और यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं मंगल नैनो ट्रैक्टर। शानदार ट्रैक्टर है किसान भाइयों, इससे आप क्या क्या काम कर सकते हो और ये आपके लिए क्या उपयोगी हो सकता है। किसान साथियों, आपने चाइनीज पावर वीडर तो काफ़ी देखे होंगे, देश के अंदर वीडियो भी काफ़ी यूट्यूब पर आपने देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बेहतरीन एक ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ, मिनी ट्रैक्टर, जिस पूरे बड़े ट्रैक्टर के आप काम इससे कर सकते हो। तो किसान साथियों, इससे आप कितनी बचत कर सकते हो और इससे आप और किसान भाइयों का काम भी कर सकते हो, जिससे आप काफ़ी बचत कर सकते हो। 7 से 8 घंटे के अंदर आप जो है लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आप इसके किराया भी कर सकते हो आप इससे। तो मंगल नैनो ट्रैक्टर कंपनी के जो मालिक हैं वो भी किसान रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ ये मॉडल लॉन्च किया है, और उन्होंने ऐसे लॉन्च किया कि बेहतरीन तरीके से वो किसानों के लिए, हित के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं और कहाँ उनकी कंपनी है। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आपने इतना समय हमें दिया। और क्या आप ये प्रोजेक्ट लाए हो, इसके लिए बारे में बताइए। आप सबसे पहले अपना परिचय कराइए। जी, मेरा नाम केल्विन वडालिया जी, मंगल नैनो ट्रैक्टर मेरी कंपनी का नाम है जी जी, और हमारी प्रोडक्ट भी मंगल नाम से ही है जी। तो ये एक छोटा ट्रैक्टर है जी, कि ये हमने बैलों की अवेजी में जी इसको बनाया है। अच्छा, बैलों का प्रयोग तो कम हो गया है। बिल्कुल, बैलों तो जो बैल से की खेती जो किसान लोग पसंद करते थे जी जी, तो उसी तरह से ये बैलों की तरह ही काम करने वाला ये एक यंत्र बन गया है। अच्छा। इसका नाम ही मैंने रखा है आयरन ऑक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे कि बात करते हैं इसकी टेक्निकली जानकारी की, क्योंकि किसान भाई जो है एक चीज़ को लेता है, आजकल आपने देखा होगा पावर वीडर जो है बहुत उसका चल रहा है, लेकिन वो जो है ज़्यादा समय तक सक्सेस नहीं है। मैंने आपका जो बहुत ज़बरदस्त मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, ये उस पर नया आपको मुझे यूनिक प्रोडक्ट लगा, तभी मैं आपके यहाँ पर सापर में गुजरात में आपको मिलने आया हूँ। वो इसलिए पसंद आता है कि ये एकदम मजबूत बनावट है, अपनी देश की लगे कि भाई नहीं ये हिंदुस्तान की चीज है, बिल्कुल भारत की है, और आपने ये सीधा देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई वारंटीज रहेगा, सुधार करना है कोई हुआ तो बहुत आसान पड़ेगा, कहीं भी हो जाएगा जी। और मजबूती गजब की इसमें। अच्छा, वीडर के सामने आपको ये बहुत ही मजबूत दिखेगा। वीडर तो कुछ भी नहीं है सर इसके सामने। तो सर ये बताइए, जैसे इसकी टेक्निकली जानकारी की बात करते हैं, इसमें जो है आपने इंजन कौन सा लगाया है? इंजन जो है ये डीजल इंजन है। अच्छा, डीजल इंजन। खेती में जो डीजल की जो पसंद होती है किसानों की जी, तो हमने इसीलिए डीजल इंजन लगाया है। पीटर डिजाइन हर जगह ये फेमस हो चुका हुआ है जी, वही डिजाइन है जी। तो ये सब इससे किसान परिचित है, इस अच्छा। इस इंजन से अनजान नहीं है किसान, बिल्कुल, तो हमने वो वही इंजन पसंद किया। अब सर देखो, बिल्कुल मैंने जो है इसके जो है जैसे कि रबड़ वाले टायर देखे हैं, क्योंकि किसान तो ज्यादा खर्च ना होए, आपने मुझे बताया कि जो है कम से कम खर्च किसान भाई का हो, तो इसके लिए आपने सर बहुत बेहतरीन, ये कहां से आपके मन में आया सर? ये देखिए, ये मुझे हम पकड़ देना चाहते थे ट्रैक्टर को, बिल्कुल, तो वो रबर के व्हील में इतनी नहीं मिल पाएगी जो अच्छा। लोहे के व्हीलों में पकड़ मिलेगी जी जी। हमको इसे खेत में ही चलाना है, तो फिर हम वेरेंटेज वाले रबर व्हील क्यों डालें? खर्चा साल भर का खर्चा और पूरा, कोई हवा भरवाने का टेंशन नहीं, ना कोई पंचर का टेंशन, तो यही लोहे के व्हील अब खेती में बहुत पसंद करने चाहिए। शुरू के जो ट्रैक्टर के आविष्कार हुए थे उसमें रबर व्हील नहीं थे, यही लोहे के व्हील से ही वो शुरू हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि बात करते हैं इसकी अटैचमेंट की जो है, तो सर ये जैसे कि इसमें खुरपियाँ दी गई हैं, ये तो ये बहुत शानदार लग रही है, मुझे थोड़ा सा उठाकर दिखाइए किसान भाइयों को थोड़ा सा। इसको हम यहाँ बोलते हैं मोरपगा। अच्छा, मोरपगा, मोरपगा बोलते हैं। और यहाँ आपको, आप यूपी से है चाहे कुलपा बोल लीजिए, चाहे आप दाती बोल लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग भाषाओं में। तो ये हाँ, ये जुताई का काम करना है, इसको बखराई का काम करना है, निराई गुड़ाई, ये हर एक में चले। ये निकाल के आप ये निकाल के इसकी जगह आप कोई भी दूसरा इम्प्लीमेंट इसमें लगा, अटैचमेंट कर सकते हैं। ये दो बोल खोल दीजिए, इसकी जगह आप राप लगा दीजिए सीधी वाली एक जय जोड़ के इसे जी, और फिर आप इसमें दांते जोड़ दीजिए बवाई वाले जी, आप यहाँ सीड ड्रिल लगा दीजिए। अच्छा,
तो सीड ड्रिल लगाने से बोआई भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर बात करते हैं, देखो आपने इसे ऊपर से बोर कुछ है इसका, नीचे से कुछ और है, क्या क्या कहते हैं इस बोर को सर, ये बताइए। ये है हमारे गुजरात की खासियत, इसको बोलते हैं लोटिया। अच्छा, तो ये पूरा राउंड में रहते हैं, हम चौरस नहीं रखते हैं। अच्छा, चौरस से क्या होता है कि हम करार सेवा नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। मगर राउंड में हम यहाँ से ये दो बोल ढीले करके इसको, अगर हमें दाती और करार चाहिए तो हम वो कर सकते हैं, सेवी चाहिए तो हम कर सकते हैं। जी। नीचे स्क्वायर होल रहता है ताकि डाटा ऐसे ऐसे घूम नहीं सकता। जी। और ऊपर राउंड होल, यहाँ नट बोल लग जाएगा, दसानी नट है। जी। तो इस तरह से दो दो इंच पर आप कहीं भी सेटिंग कर सकते हो। जी, तो जी। कहीं भी आपको ऐसा नहीं कि यहाँ ही आपको ये लगाना, आप कहीं भी लगा लो, कहीं से लेकर अटैचमेंट। हाँ, कर सकते हैं। हर जगह देखिए लाइन में है। बिल्कुल, हर जगह बिल्कुल, आप अटैच। बिल्कुल। और इन्हें चाहे तो किसान बढ़ा भी सकता है। जी जी, है नहीं, क्योंकि यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, थोड़ा आगे पीछे कर सकता है। तो सर इसका जो है, जैसे इसमें पिछले वाले छोटे टायर दिए गए हैं, क्या ये इसका क्या कारण सर, थोड़ा सा बताइए। ये गेज का काम करते हैं कि आपको इसे जमीन में कितना बैठाना है। अगर इसको कम बिठाना है तो आप इसको नीचे कीजिए। अच्छा। और अगर इसको ज्यादा अंदर तक ले जाना है तो आप इसको उठा देंगे, ऊपर ले लीजिए। अच्छा, ऊपर ले लेंगे और यहाँ टाइट कर दीजिए, तो अच्छा। फिर उतने में रेवल में वो चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जैसे क्या ये मैं देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल कंफर्टेबल हल रहा है, ये इसका क्या कारण है सर जी? बिल्कुल, ये पूरी यूनिवर्सल मूवमेंट है। अच्छा, ये देखिए, बिल्कुल मतलब एक, एक ही सीध में नहीं है, बिल्कुल वैसे हर जगह इसको लचक दी गई है। लचक दी गई है, हाँ, ताकि कहीं कोई भी एक तरफ ना खींचे। अगर कहीं हमको अगर दो फसल की लाइन के बीच में चला रहे हैं और अगर कहीं और जा रहा है जी, जी। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मगर अच्छा। यहाँ लचक हो तब वो हो सकता है। ऐसा होता है ना कभी कभी सर, जैसे क्या खूड़ जो है टेढ़े भेंडे हो जाते हैं, तो इसे हम ऐसे अपनी तरीके से खेचाव करके कर सकते हैं ऐसे जो है। तो गपे हुए दांतों से भी हम टन, हाँ, टन ले सकते हैं, ले सकते। थोड़ा शरीर का जो है वजन लगाने के बाद, ताकत थोड़ी सी लगाने के बाद। और ये जो देखिए ये खड़ी चाल है। जी जी। अच्छा, तो अगर उबड़ खाबड़ जमीन है तो ट्रैक्टर भले ही ऐसे चले, मगर ये एकदम रेवल से ही चले। और सर जैसे क्या इसमें जो है ये बेल्ट दी गई है इधर जो है, इसके बारे में बताइए। ये बस ये एक क्लच सिस्टम ही है, वो क्लच सिस्टम है, देखिए। जी। यहाँ मैं जैसे ही ये दबाऊंगा जी, तो वो विबेल टाइट होगी। अच्छा, ट्रैक्टर चलेगा, मतलब दबाने के बाद में टाइट हो गई। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। किसान साथी छोड़ दिया, बेल्ट ढीली हो गई, ट्रैक्टर खड़ा रह जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, ब्रेक, मतलब एकदम सिंपल सरल है जी। और सर इसमें जो गियर के बारे में बताइए कुछ, जो क्या गियर कहते हैं इसमें, कुछ गिलहरी सिस्टम रहता है इसमें, जो बहुत ही अच्छा बदलाव हमने जो किया है अभी, ये इसमें डिफरेंशियल गियर हमने डाला है। अच्छा, ताकि दोनों व्हील अपने लोड से वो काम करते हैं, मतलब कि अगर घूमना है जी, तो हम इसको आराम से इस तरह से घुमा सकते हैं, घुमाओ इसका ले सकते हैं, एक ही जगह पर ये आराम से घूम जाएगा, बहुत ही कम जगह चाहिए। जी जी जी। अच्छा, अब सर जैसे क्या इसमें जो आपने दिया गया है, टूल्स में रख सकते हैं हम जो है, तो टूल बॉक्स दिया गया है इसके अंदर, मोबाइल रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, मोबाइल जैसे हम चला रहे हैं खेत में, मोबाइल यहाँ रख दिया हमने, तो इससे हम लगातार, ये भी है कि खेत में हम लगातार मोबाइल से जुड़े होंगे, कॉल भी आती है। और सर बात करते हैं इसकी जो है, जैसे बताइए एक घंटे के अंदर ये कितनी बीघे जमीन निकालेगा और कितना ऑयल खाता है ये तेल? जी, एक घंटे के अंदर ये 2.5 बीघा जमीन जोत लेगा और आपका 8 घंटे में, मतलब पूरे दिन में डीजल ये खाली 2.5 लीटर अच्छा, लेगा। और सर ये एक सबसे बड़ी खासियत, पूरी टंकी कितने दिन में खाएगा ये? 2-3 दिन आराम से, 4 लीटर की टंकी। अच्छा, 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तक निकल जाएगा, तो यही इसकी। डीजल इतना महंगा हो गया तो बहुत ही बढ़िया किसान, बहुत ही बढ़िया है कि इसमें कोई खर्चा ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और सर जैसे कि इसमें ये एयर वगैरह जैसे ऊपर दिया गया है, इसमें क्या ये कुछ, इसमें ये एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर है, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, अगर धूल उड़ रही है जी जी तो ऑयल में जमा हो जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी। अच्छा, और डीजल की लाइफ बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, डीजल इंजन की। अब सर इसकी जैसे क्या गारंटी वारंटी क्या है इसके बारे में? इसमें 6 महीने तक, अगर कुछ भी कोई किसान को कहीं दूर हमसे ले गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है जी जी, तो स्पेयर पार्ट हमारी तरफ से फ्री में मिले, किसान को भिजवा दिया। बताइए किसान भाई से जो है ऑनलाइन लेना चाहे तो क्या प्रक्रिया रहेगी और कितना एडवांस डालना होगा, ये बताइए सर जी। ये
खरीदने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है या ऑनलाइन वाली भी बात नहीं है, बस हमें आप किसान हमें हमारे दिए गए नंबर पर फोन करें। मेरा नाम है केल्विन वडालिया जी, और दूसरे यहाँ रहते हैं मेरे पिताजी भगवान जी वडालिया जी। तो आप हमारे दोनों के नंबर है, मैं किसी को भी आप फोन कीजिए जी और बात कीजिए। और ट्रांसपोर्ट से हर जगह पूरी भारत में माल जाता है, तो अच्छा। हम नज़दीकी आपकी तहसील तक या जिले तक इसको भिजवा देंगे, फिर वहाँ गांव से कोई भी गाड़ी लेके जाए और फर्क ले। और पैसे अमाउंट की प्रक्रिया क्या रहेगी? अमाउंट की प्रक्रिया ये हमारे यहाँ है, पूरा एडवांस है। अच्छा। मतलब इसकी कीमत है 61,000 रुपये, तो आप 61,000 रुपये हमारे अकाउंट में डलवाए, जैसे ही बात करें पहले हाँ हमारे करंट अकाउंट के अंदर जी। और फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट में भिजवा देंगे। अच्छा, तो सर ये बताइए, आज हमें जो है आप इसका डेमो करके दिखाइए थोड़ा सा। जी चलिए बिल्कुल चालू करते हैं और दिखाते हैं और सब देखिए इसका कमाल जी। और खेत का भी वीडियो मैं दिखाता हूँ इसके साथ साथ। यहाँ तो ठीक है, अभी ये ज़मीन ऐसी खेत के समान नहीं है, मगर वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँ जी। तो किसान साथियों आगे आप देखिए डेमो। किसान साथियों आज आपने क्या शानदार बेहतरीन डेमो इसका दिखाया किसान भाइयों। तो सर ये बताइए, जैसे क्या किसान भाई इसे जो है अपने सब्सिडी का हिसाब क्या है इसमें किसके अंदर? जी इसमें अभी सब्सिडी अप्रूवल नहीं है जी जी, सब्सिडी इसमें दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बस ऐसे ही है जी जी। तो किसान साथियों आज आपने देखा मंगल मिनी ट्रैक्टर सापर, गुजरात के अंदर जो राजकोट जिला है उसके अंदर ये सापर पड़ता है। बहुत बेहतरीन ये मिनी ट्रैक्टर हो सकता है, नैनो मिनी ट्रैक्टर है ये। इससे आप बड़े ट्रैक्टरों के मुकाबले आप इससे जो है काफ़ी कम पैसों के अंदर इसे ले सकते हो और इससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो और अपने खेतों में इससे जो है काफ़ी बचत कर सकते हो। और फसलों की निराई गुड़ाई के लिए किसान साथियों बहुत ही बेहतरीन ये नैनो ट्रैक्टर है, बहुत शानदार। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।